बधाई देना चाहता हूँ। आज ये राव तुलाराम फ्लाईओवर शुरू हो गया जो मुनिरका से और इधर आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ जाता है। एयरपोर्ट जाने के दो तीन रास्ते हैं मेन, जिसमें ये मेन रास्ता है, तो अब एयरपोर्ट जाने के लिए और गुड़गांव जाने के लिए लोगों को बहुत सहूलियत होगी, ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म होगा, पर्यावरण बचा करेगा। दिल्ली में 4.5 साल में हमारी सरकार ने लगभग 23 फ्लाईओवर और कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर मिलकर बनाए हैं और ये आज 23वां फ्लाईओवर का उद्घाटन हो रहा है। मौजूदा दिल्ली सरकार जहां एक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के कोने कोने में विकास ले जा रही है, उन कॉलोनियों के अंदर विकास ले जा रही है जहाँ आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी दिल्ली के अंदर आज कच्ची कॉलोनियों में और आम मोहल्लों के अंदर सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, सीवर की पाइपलाइन डल रही है, पानी की पाइपलाइन डल रही है। हम पूरी दिल्ली का एक साथ विकास, गरीब का भी अमीर का भी एक साथ विकास करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि एक दिल्ली के हिस्से का तो विकास हो जाए और बाकी आम जनता जो है उसका विकास ना हो। हम दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना चाहते हैं और उस दिशा में पूरी दिल्ली का एक साथ विकास करना चाहते हैं। सर, आपको लगता है दिल्ली दूसरा मौका देगी? ये फ्लाईओवर जो है लगभग 2.85 किलोमीटर लंबा है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी वो 364 करोड़ रुपए की थी और एक्चुअल कॉस्ट जो आई है वो 205 करोड़ रुपए में ये बनकर तैयार हो गया। विकास हो रहा है, होंगे अभी 3 और बहुत जल्दी बनके तैयार हो रहे हैं। आपको बता देंगे जिस तरह से विकास हो रहा है, आपको लग रहा है दिल्ली फिर से मौका देगी? आपको दिल्ली के लोग क्यों नहीं, दिल्ली के लोग काम को सराहेंगे। हमें जैसा मैंने अभी बताया सबको, हमारी सरकार काम कर रही है और दिल्ली के आज सारे लोग ये मानते हैं कि सरकार ने काम बहुत किए हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, राजनीति उनको मुबारक, काम मनोज तिवारी आरोप लगा रहे हैं कि उनका